ट्रस्टीवी की जानिब से मैं आपका वेलकम करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। भाई फले के अंदर भी ले सकते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लॉकडाउन के पेश नज़र गुड डीड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के जानिब से शाहीन नगर अलैन कॉलोनी में खाने का इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी कई मरतबा गुड डीड ट्रस्ट के जानिब से इंतज़ाम किया गया था, लेकिन कभी इसमें फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी नहीं की गई। तभी फर्स्ट टाइम अभी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी की जा रही है, जिसकी वजह यह है कि अहले खैर हज़रात को इसकी इत्तला मिले और गुड्डी ट्रस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गुड्डी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के जानिब से खाने का इंतज़ाम किया गया है। अभी सब कुछ रेडी है, अभी बस लेके अभी 300 पैकेट्स है, फूड पैकेट्स है पूरे। अभी तक कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये 8-10 मरतबा कर चुके हैं। इसी पका हुआ खाना? हाँ, अभी पका हुआ खाना। बीच में कई जगह राशन भी तकसीम करे। अब जैसे कोई लोग करीब है जो बाहर नहीं निकल सकते, जो किसी को जाके पूछ नहीं सकते, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसमें हम लोग कभी भी वीडियो और फोटो कभी लिए नहीं। तो एक 2-3 दिन पहले भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिंग किया गया था गुड्डी ट्रस्ट के जो भी मेमरान। ट्रस्ट का नाम अच्छा बोलिए। गुड्डी ट्रस्ट गुड डीड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट डबिलपुरा। हाँ, ऑफिस डबिलपुरा पे। तो गुड्डी ट्रस्ट के जानिब से जेर निगरानी में कई मदारिस और मकादिक भी जेर निगरानी में चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 साल के अरसे से काम कर रहा है गुड्डी ट्रस्ट, जिसके ये अभी इसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इसहाक साहब, अभी आपके बाजू में बैठे हुए हैं। तो ये 9 साल के अरसे से काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 9 साल के अरसे में 27 हुफ्फाज़ इकराम ने कुरान पाक को तकमील किया है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह निगरानी चल रही है। तो ये हमारे इसहाक साहब हैं, गुड्डी ट्रस्ट का जो ऑफिस है वहाँ पे डबिलपुरा मस्जिद बगदाद के